दीनदयालपुरी जी महाराज, आप इधर का महंत हैं, धन्यवाद हमसे मिलने के लिए। और ये रेणुका जी के बारे में हमारे लिए कुछ बता सकेंगे आप? ये रेणुका जी भगवान परशुराम की माता का नाम है। हाँ जी, भगवान परशुराम के बारे में पूरा विश्व जानता है, वो तो परमात्मा के अंश अवतार थे। और ये उनका जन्मस्थली है, यहाँ से 18 किलोमीटर और ऊंचाई पे वहाँ पे उनका जन्मस्थली है। अच्छा। और ये माँ रेणुका जी जो झील है इसमें वो समाई थी, यहाँ पे उन्होंने मतलब समाधि ली थी, तो ये झील उनका स्वरूप माना जाता है। जल जो है वो माँ रेणुका का स्वरूप ही माना जाता है जो है, तो इसलिए उनके नामकरण से ये रेणुका का नाम पड़ा, श्री रेणुका जी। ये पूरा क्षेत्र श्री रेणुका जी के नाम से जाना जाता है क्योंकि माँ इसमें समाई थी, ये झील जो है माँ का ही स्वरूप है। भगवान परशुराम की माँ थी वो। भगवान परशुराम यहाँ आते हैं ऐसा प्रत्यक्ष लोगों की अनुभूति है, कुछ महापुरुषों की, और मैं क्या कहूँ, मेरी भी कुछ अनुभूति है। यहाँ 3 साल से मैं यहाँ पे लगातार अभी निवास कर रहा हूँ, इन 3 सालों में मैंने अनुभव किया है। कैसा? कि जो कोई आध्यात्मिक शक्ति है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये जो झील के आसपास जो है एक ऐसा पवित्र वातावरण है जो आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है। और हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन यहाँ पे मेला लगता है। पुरानी परंपरा के अनुसार मंदिर है वहाँ जो टीला पे, वहाँ से भगवान परशुराम को राजा साहब यहाँ पे कंधा देते थे। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री होता है, वो कंधा देते हैं। और जाने के टाइम जब भगवान की विदाई होती है तो यहाँ का गवर्नर उसमें कंधा देता है, ऐसी मान्यता है लोक श्रुति के अनुसार। भगवान परशुराम तो भगवान शिव के शिष्य हैं, वो वहीं कैलाश के पास गंधमांडम पर्वत पे रहते हैं, लेकिन 5 दिन के लिए अपने माँ के पास आते हैं यहाँ चूंकि उनकी जन्मस्थली है, तो वो 5 दिन मेला लगता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी से पूर्णमासी तक बहुत विशाल अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। सरकार के अंडर में देश विदेश के कलाकार भी आते हैं, मंच भी सजता है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। चलो ये तो एक लोक रीति है, लोग आते हैं, लेकिन यहाँ जो माँ रेणुका का क्षेत्र है और जो रेणुका के आसपास जो ये झील के आसपास जो एक अद्भुत शक्ति जो यहाँ रहते हैं, जो 8-10 दिन भी निवास किया उन्हें शक्ति का अनुभूति हो जाती है। और प्रायः कुछ माँ में शक्ति है, जो उनसे कोई याचना करता है वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ है और प्रत्यक्ष उदाहरण भी है जो है, तो यही अनुभूति होती है आध्यात्मिक की जो है। माँ का स्वरूप है यहाँ और उनकी रक्षा होती है। ये जल कभी सूखता नहीं है और ये अथाह गहरा है, इसको कोई वैज्ञानिक तक नाप नहीं आए पाए हैं, क्योंकि ये कहते हैं बहुत गहरा है, कोई सीमा नहीं है इसकी है। ऐसा मान्यता है जब माँ ने इसमें समाधि ली थी तो पृथ्वी फट गई पाताल तक जो है, और जल तभी प्रकट हुआ, तब से आज तक ये कोई खाली नहीं कर सका। सरकार ने कई बार प्रयास किया इसमें बड़े बड़े मोटर लगा के इसको खाली करने का, पर यहाँ तो नहीं, जितना निकालो उतना जल आ जाता है। तो ऐसा भी है, वैज्ञानिकों ने इसे नापने का भी प्रयास किया पर कोई नाप नहीं सका है, क्योंकि वो असीमित गहरा है। तो यही आध्यात्मिक शक्ति है जो भी है, क्योंकि जो है वो बाकी आध्यात्मिक शक्ति में कोई पार तो पा नहीं सकता है, अनुभूति ही मात्र हो सकती है। ईश्वरीय शक्ति जो है वो माँ दुर्गा का अंशावतार कही गई है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है। और ये बोला जाता है कि इधर जल समाधि लिए थे माता जी ने, क्या कारण था ये? ये ऐसा था, शास्त्राबाहु नाम का एक राजा था जो मध्य प्रदेश अभी महिष्मती का, उसका पुतला सारा जगह है मध्य प्रदेश में। हाँ, तो वो अपहरण करके ले जा रहा था। माँ अत्यधिक सुंदर थी और नंदिनी गाय जो परशुराम के पिताजी के पास थी वो अद्वितीय थी, तो नंदिनी गाय उसने जबरदस्ती उनसे ले लिया और ले लेने में उनका विद्रोह हुआ। उन्होंने जब नंदिनी ऋषि और माता के 4 पुत्र थे उनको मार दिया परशुराम ने, वो क्या नाम राजा शास्त्राबाहु ने। भगवान परशुराम तो सन्यासी थे, भगवान शिव के शिष्य थे, वो तपस्या में गए हुए थे, वो तो घरवार से संबंध नहीं रखा। तो जब भगवान परशुराम को पता लगा रावण के द्वारा, क्योंकि रावण को भी उस शास्त्राबाहु ने बांध लिया था, भगवान परशुराम ने छुड़ाया था, तो रावण भगवान परशुराम का मित्र था और शास्त्राबाहु का शत्रु था। उसने जाकर के इनको सूचना दी कि भाई तुम्हारे माता पिता को, माता ने तो समाधि ले ली, पिता को मार दिया, भाइयों को मार दिया और गायों का हरण कर लिया। तब भगवान परशुराम को क्रोध आया, उन्होंने अकेले ही आकर के इनके पूरे वंश को खत्म कर दिया।
ये तो जगविदित है। वह इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय वंश ही नहीं रखेंगे। वो तो ऋषि मुनियों के उपाय से भगवान राम का वंश का एक व्यक्ति बच गया जिससे पुनः क्षत्रिय वंश चला, और समस्त पृथ्वी को जीत करके कश्यप ऋषि को दान कर दी थी भगवान परशुराम ने। लेकिन ब्राह्मण लोग और ऋषि लोग कभी राज्य नहीं किया तो उन्होंने पुनः राजाओं को दे दी। ये इतिहास है। यहाँ पे परशुराम ने शास्त्राव को मारा था, शास्त्राबाहु अपहरण करके उन्हें जबरदस्ती लेके जाना चाहता था। यद्यपि वो उनका रिलेशन में भी था, साढ़ू था, जमदग्नि ऋषि और शास्त्राबाहु दोनों आपस में साढ़ू थे। दो बहनें थी, रेणुका और बेणुका। तो एक रेणुका जी जमदग्नि ऋषि को ब्याही थी और बेणुका राजा शास्त्राबाहु को ब्याही थी, तो इसलिए इनका आना जाना था। और रेणुका जी अत्यधिक सुंदर होने के कारण उनका वासना उसके मन में थी, उसने मौका पाके ऐसा अनर्थ किया, वो मारा गया। इसलिए माता ने यहाँ जल समाधि ले ली थी, ऐसी मान्यता है जो है। तो औसे की अनुभूति आज तक होती आई है उनके शरण में जो यहाँ आता है। मगर मेरा इससे हटके एक सवाल है, अगर जवाब देना चाहते हैं आप तो। मैं मध्य प्रदेश जा रहा था, सारी जगह मैंने इधर उधर सहस्रबाहु को तो जो पुतला देखा, मगर भगवान परशुराम को तो कुछ नहीं देखा उधर। ऐसा है, सहस्रबाहु के नगर में भगवान परशुराम का कैसे पुतला आएगा? वो तो उनका नगर है, भगवान परशुराम का तो जन्म यहाँ हुआ है। इसमें एक दो और जनश्रुति है, जनश्रुति नहीं, जो हमारे पुराणों में करीब 5-6 जगह वर्णन है भगवान परशुराम का जन्म स्थान। भगवान परशुराम का जन्म स्थान करीब 6 जगह वर्णन है। अब प्रायः पुराणों में 6ठा अवतार भगवान परशुराम का कहा गया है। पहला अवतार तो जिसका है भगवान का, परशुराम का 6ठा अवतार है भगवान का। तो 6 अवतार लिए हैं, हर कल्प में परमात्मा का अवतार होता है। तो ऐसा मान्यता है विद्वानों का कि अलग अलग जगह जो 6 बार अवतार लिया है तो वो 6 स्थान है पूरे भारत में। तो ये इसलिए 6 स्थान जगह पे भगवान परशुराम का है, और जहाँ पे भगवान परशुराम का जन्म स्थान है वहाँ पे पुतला मंदिर और उनका प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। एक तो ये है हमारे हिमाचल में। नहीं नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है, सहस्रबाहु के लिए पुतला है मध्य प्रदेश में, हाँ हाँ, मगर भगवान परशुराम के लिए नहीं है, इसको कैसा देखते हैं? यही सवाल था। अब ये तो उसका पुतला होने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वो कोई अच्छा राजा नहीं था। फिर भी वो उसका पुतला है, उसका मर्यादा दिया जाता है। इसका अर्थ है, मैं अपने विचार से ये बात कहता हूँ कि महापुरुष की महिमा करने के लिए, क्योंकि शास्त्राबाहु अत्यंत शक्तिशाली राजा था जिसने रावण को भी बांध लिया, तो ये बताने के लिए उसका पुतला जीवित करके ऐसे शक्तिशाली राजा को भगवान परशुराम ने अकेले ही सेना समेत मार दिया था, तो इसलिए पुतला जीवित किया जाए ताकि परशुराम की महिमा भी तो खंडित मंडित हो। महिमा कराने के लिए कुछ तो बताना पड़ता है, जैसे भगवान राम कौन के जिन्होंने रावण को मारा, अब भगवान परशुराम कौन जिन्होंने शास्त्राबाहु को मारा, शास्त्राबाहु कौन जिसने रावण तक को बांध लिया, तो इसलिए उनके पुतले को बनाया होगा महापुरुषों ने। ये हमारा अपना विचार है, किसी महापुरुष का नहीं है, क्योंकि पुतला भाई ये जो है एक दूसरे का नाम तभी होता है, अन्यथा कौन जानता भगवान परशुराम को, राम को कौन जानता अगर रावण ना होता। महिमा के पीछे कोई राक्षस का, जितने भी महापुरुष है, माता की शक्ति कब है, शंभु निशंभु ना होते है, नारायण की शक्ति को कौन जानता अगर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ना होते। तो यहाँ पे कहीं भी हो, महापुरुष जब हुए हैं तो कोई गलत व्यक्ति भी होता है, पापी भी होता है। धर्म और अधर्म, धर्म के लिए अधर्म होना आवश्यक है, ये प्रकृति का खेल है। फिर अत्यंत सूक्ष्म गहन में जाओ जो वाणी के द्वारा नहीं बताया जाता, ये अनुभव के विषय है। धर्म है तो वहाँ अधर्म भी है, जहाँ कोई महापुरुष है तो वहाँ गलत व्यक्ति भी है। मैंने इंदौर में था, उधर एक जनपाव बोल के एक जगह है, आप सुने होंगे शायद, वो परशुराम जी का जन्म स्थल बोल के, उधर से मैंने रिकॉर्डिंग भी किया था। हाँ, ये ऐसा कोई काल्पनिक है, क्योंकि वहां पे जन्म स्थल उनका तो नहीं कहा जा सकता है। और ज्यादातर विद्वानों का शिवलिंग जो है बहुत पुराना शिवलिंग है, जो ऋषि जामदग्नि से पूजा किया हुआ। हाँ, ऐसा हो सकता है। वस्तुतः 6 जगह भगवान परशुराम के जन्म स्थल है जो है पुराणों में वर्णित है। इसके अलावा भी कई लोगों की मान्यता है कि भगवान परशुराम यहाँ भी रहे। हमारे पास एक किताब में मैंने अध्ययन किया, ये मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने उस पर थीसिस लिखी है। उन्होंने 13 जगह भगवान परशुराम का जन्म स्थल बताया।
और उन्होंने एक अपना मत बताया। वैसे प्रायः जन्म स्थल के बारे में स्पष्ट पुराणों से पता नहीं लगता है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत में गंगा जी के किनारे भगवान परशुराम को खेलते हुए दिखाया गया, बताया गया, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन से स्थल पे भगवान का जन्म हुआ। तो एक जगह जहाँ भगवान छोटे हैं, भगवान परशुराम छोटे हैं 5 साल के, और गंगा के किनारे खेल रहे हैं, तो गंगा जी जहाँ से चली हैं और जहाँ तक गई हैं, तो वो समानता यूपी में शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के पास एक स्थान है जलालाबाद, वहाँ का बताया जाता है। और चूँकि ये जो माँ रेणुका थी, ये गाधी पुत्री थी, जो कन्नौज हमारे मध्य भारत का बहुत बड़ा राज्य रहा, यहाँ के राजा की पुत्री थी, तो कन्नौज और वो शाहजहाँपुर जो यूपी में पासी है और गंगा भी है, तो वहाँ अनुमानता जो उन्होंने अपनी विद्वता से माना है कि भगवान परशुराम का जन्म स्थल वहीं है, जलालाबाद उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे बात है पूरा पौराणिक, लेकिन इसको अगर राजनीतिक और सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, जमदग्नि ऋषि से ही इनका वाद विवाद हो गया था, क्या नाम, जो शास्त्राबाहु का, और उसमें एक राजा के साथ टकराव होना ये भी कोई सामान्य, जब और वो एक जगह से दूसरा जगह चलते रहे, हाँ ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये भी बहुत बड़े ऋषि थे, अस्त्र शस्त्र सब कुछ था, एक राजा के बराबर ही थे। तो लेकिन शास्त्राबाहु अधिक शक्तिशाली था, तो समय की अपेक्षा को देखते हुए इन्होंने कई जगह डेरा डाले ऐसे गुप्त स्थानों में जहाँ परशुराम और अपने परिवार को बचाया जा सके। जब नंदी ऋषि भागते रहे कई जगह, कहीं 10 साल रहे, कहीं 5 साल रहे, कहीं साल रहे, और अपने परिवार को बचाते हुए उन्होंने अपने परिवार की रक्षा की, ऐसा उन प्रोफेसर साहब का कहना है, पुराणों में नहीं है। और ये इसलिए उनके कई 10-12-15 स्थान बन गए, और लास्ट में जब भगवान परशुराम बड़े हो गए, क्योंकि ये सबसे छोटे बेटे थे, परशुराम 5 भाई थे, 4 भाई अन्य थे, तो ये परिवार भी हुआ। तो भगवान परशुराम जब बड़े हो गए, उन्होंने भगवान शिव से शस्त्र विद्या सीखी, जो भगवान परशुराम को परश नामक जो अस्त्र कहा जाता है वो भगवान शिव ने ही दिया है, वो कोई सामान्य अस्त्र नहीं है, हमारे विचार से तो वो परमाणु अस्त्र था, जो उन्होंने अकेले ही चला के और इनकी पूरी नगरी को नष्ट कर दिया था, शास्त्राबाहु को। भगवान शिव हमारे संसार के प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम गुरु, प्रथम भगवान है, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई वैज्ञानिक नहीं है, उनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक अभी पृथ्वी पर नहीं पैदा हुआ। आज किडनी ट्रांसप्लांट हो जा रही, उन्होंने तो सर ट्रांसप्लांट कर रखा है कई, ये मानो अब विज्ञान जब आगे बढ़ेगी तो विज्ञान लोग मानते हैं, वो प्रथम वैज्ञानिक हैं, वो जगत के गुरु हैं, तो इसलिए वो उनके शिष्य थे, उन्होंने उनको ऐसे अस्त्र प्रदान किए जो अकेले ही उन्होंने चला के शास्त्राबाहु को ख़त्म किया। और शास्त्राबाहु से बचने के लिए भगवान परशुराम के जन्म स्थल कई जहाँ जहाँ वो रहे, तो वहाँ उनका जन्म स्थल की उनको मान्यता दी गई है, ऐसा वो प्रोफेसर साहब ने अपनी खोज में बताया। और लगभग 12-13 स्थान भारत में है, और वहाँ अद्भुत शक्तियाँ हैं, क्योंकि ऋषि भी बहुत बड़े उच्च कोटि के ऋषि थे, माता थी उनके साथ में, जो कि अंशावतार दुर्गा की कही गई, ऋषि में एक थे, हाँ, और स्वयं भगवान जहाँ रहे हों, तो इसलिए वो स्थान महान बन ही जाता है, और उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी होती है, जहाँ जहाँ कोई महापुरुष रहता है तो वहाँ की अद्भुत शक्ति वहाँ प्रकट हो ही जाती है। तो वो प्रायः 10-12 जगह रहे हैं भारत में, और लास्ट में उन्होंने जब उन्हें परशुराम को ज्ञान मिला तो मारे गए। अब जहाँ भगवान रहे तो सब जगह ने यही माना है कि यही पैदा हुए, और हमें भी यहाँ तो हमें तो यहाँ सचमुच लगता है कि यहाँ ही भगवान पैदा हुए हैं, यहाँ रहे हैं जो है, बिल्कुल बहुत, हाँ हाँ यहाँ, और यहाँ सबसे ज्यादा आप तो आप भी अगर आज यहाँ निवास करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ ये माता की शक्ति है। हाँ, और कईयों को मैंने देखा है यहाँ प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, जो हमारे सामने मान्यता मानी और माने उनकी इच्छा पूर्ण की। हाँ, यहाँ कई लोगों का देखा है, तो यही इतिहास है, बाकी भगवान की महिमा को कोई कह नहीं सकता है, अपने अपने अनुसार सब कहते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ, जो अपने अपने विचारों से, जो पुराणों में लिखा है और जो महापुरुषों के अपने विचार से कहा है, मैं दोनों के बारे में बताया है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। जहाँ जहाँ वे रहे ना, सब कहते हैं कि हमारे हैं भगवान, यहीं पे जन्मे हैं, ये बात है। बिल्कुल, वो ये बोलते हैं कि भी हमारे भगवान है परशुराम जी, यहीं पे जन्मे हैं। भालू हैं, जंगली बिल्लियां हैं, तो थोड़ा बहुत 12 सिंगा है, कई प्रकार के
ये मुर्गे हैं जो लाल पीले नीले आपको कई प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे यहाँ। परिक्रमा तो एक धार्मिक मान्यता है, माता की परिक्रमा, जैसे हम हिंदू देवी देवताओं में मंदिर की यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं, तो ये भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव है, तो इसलिए यहाँ पैदल ही है, कोई जाने का नहीं है। और इस पे जो संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं तो यहाँ कोई सवारी का साधन नहीं रखा है। 3.5 किलोमीटर माता की परिक्रमा पड़ जाती है, तो वो पैदल ही होती है। और ये क्षेत्र जो रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में है, बर्ड लाइफ एरिया घोषित है, तो यहाँ ज़्यादा कोई वो भी नहीं है, शांत वातावरण है। जंगल में कोई ज़्यादा विकास जो आधुनिक सुविधाएं नहीं, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम या मोटर कार वहाँ जाना भी अलाउ नहीं है। हाँ, क्योंकि जो बर्ड लाइफ एरिया है, जो बिल्कुल नेचुरल वातावरण हो, पशु पक्षी अपनी स्वतंत्रता से रहें, वहाँ उनको विघ्न ना हो, इसलिए मोटर कार वहाँ चलाया नहीं जाता है, पैदल ही जाया जाता है। और दूसरा, धार्मिक दृष्टि से भगवान की परिक्रमा भी रथ पे चढ़ के नहीं की जाती है। सही बात, रथ पे या कोई अपने साधन से करो तो परिक्रमा करने का फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, तो ये चीज है। इसलिए ये दोनों बातें हैं, एक तो धार्मिक दृष्टि से भी नहीं, और बर्ड लाइफ एरिया के कारण भी, या मोटर कार ले जाना अलाउ नहीं होता है। कोई बहुत ही बड़ा मुख्यमंत्री या गवर्नर इत्यादि या कोई फॉरेस्ट के बहुत बड़े अफसर आते हैं तो गाड़ियां जाती है, अन्यथा जाती नहीं, गेट बंद रहते हैं। बिल्कुल, वो चलो जो चलने वाले हैं उनके लिए तो है, तो नहीं बोल सकता हूँ ना। अच्छा, कि जो है, पहले मैं रामकृष्ण मिशन में भी रहा, बाद को अपने श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े, लेकिन नहीं, ये साधुता तो एक अलग ही चीज है, जो हमें माता के माध्यम से यहाँ ज्ञान हुआ, वो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। बाकी जो साधु कहे जाते हैं वो संसार है, घूम के कान पकड़ते हैं, और कुछ नहीं है, साधु नहीं है ना, साधु तो बहुत दुर्लभ बात है, ऐसा बहुत मुश्किल है, ये तो असंभव बात है। इधर ये एकांत में आपको अपने ये, मैं ये तो ये मानता हूँ, ये ज्ञान माता की कृपा से ही मेरे को प्राप्त हुआ, जो ये चिंतन हमारे अंदर ही आया माँ के सानिध्य में, क्योंकि कई बार रात में अपना उठ गया, रात में वातावरण बड़ा सुंदर होता है और शांत होता है, तो वहीं किनारे जाके बैठते हैं, तो उस चिंतन में ये बातें उभरी हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये ज़्यादातर कहते हैं चिंतन क्या है, तो चिंतन में ही ये बातें पता लगती हैं, ऐसे नहीं पता लगता है। वाह, तो ये चीज़ है। साधु संत देखिए, ये ऐसा है, एक संसार जो संसार है, संसार में प्रकृति जो है, और साधु तो वो निगेटिव की ओर जाना है, संसार के विरुद्ध, यानी संसार पे विजय पाना, संसार के विरुद्ध जाना, ये बात ऐसा समझ लो, ये साधुता है। अब संसार की बात संसार से पूरी नहीं होती, ऐसा कहा भी हमारे धर्मशास्त्रों में, रामायण में दो, कि भाई गंदगी से गंदगी थोड़ी जाती है, गंदगी से गंदगी धुलती नहीं है, गंदगी को धोने के लिए तो भाई कुछ और ही चाहिए। तो संसार में रहते हुए संसार के उपयुक्त प्रवचनों से साधुता नहीं होती, साधुता संसार से अलग है, उसे संसार का कोई लेना देना नहीं है। हमारे ये सनातन धर्म का एक मूल मंत्र मैं आपको बताऊं, हमारे सनातन धर्म में चार वर्ण है, चार आश्रम है, चार आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। संन्यास किसी में नहीं है, हमारे संन्यास क्या नाम, जो सनातन धर्म में ही मोक्ष है, मोक्ष का क्या नाम है कि पुनः कष्ट में ना आना और हर प्रकार के कष्टों से हमेशा के लिए मुक्ति, उसका नाम मोक्ष है। ये केवल सनातन धर्म में है, अन्य धर्मों में तीन ही वर्ण है, वहाँ तीन ही वर्ण है, चौथा संन्यास नहीं है किसी में। समाज की सेवा करते हुए परमात्मा जैसा करेगा वैसा आपको बनना है, लेकिन सनातन धर्म ये बात कहता है मोक्ष क्या है, मोक्ष में परमात्मा, व्यक्ति को परमात्मा बनना है, वहाँ ये नहीं है भक्त और भगवान की बात, जो ज्ञान की बात ये है, व्यक्ति स्वयं में परमात्मा है, शिवोहम जो शंकराचार्य महाराज ने कहा है, और ये वेद के वाक्यों में भी कहा गया है, आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद के महावाक्य कहे गए हैं। तो इनका अर्थ क्या है कि भाई मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसिता माने तुम, त्वा माने वह, मसी माने एक, यानी वो परमात्मा और आप एक हो, तो यहाँ एकता का भाव है। उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टर
पढ़ाता है और पढ़ने वाला भी डॉक्टर बन जाता है। हमारे जो MBBS के छात्र हैं वो पढ़ते हैं, MBBS करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं डॉक्टर लोग ही, और वो भी जब वहाँ से डिग्री लेकर के निकलते हैं तो वो भी डॉक्टर बन जाते हैं। पढ़ाई का अर्थ क्या है? जो पढ़ाने वाला है वैसे ही बनना है। इसी प्रकार धर्म का अर्थ क्या है? हमें भगवान से जुड़ने का अर्थ क्या है? हमें भगवान ही बनना है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। और वो फिर उसके लिए संसार से ऊपर उठना पड़ता है। तो जब हम संसार भोग करके संसार से ऊपर उठते हैं उसी का नाम संन्यास है। बिल्कुल। और जब तक हम संसार में जुड़े हैं हमारा कोई संसार से लेना देना नहीं होना चाहिए, उसको साधुता कहते हैं। वाह। अब ये बात लगेगी बड़ा खराब, समाज कहेगा है तो फिर तो बेकार है, तो बेकार ही है। स्वयं महात्मा बुद्ध राजा थे, उन्होंने संसार छोड़ दिया, उन्होंने संसार छोड़ दिया महात्मा बुद्ध ने, और कहा यह संसार बेकार है। और इसकी अनुभूति जीवन में एक बार हो सबको जाती है, चाहे पहले हो चाहे बाद को। पहले अगर किसी को हो गई, ये कृपा है परमात्मा की।